नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रमजान के महीने में एक परिवार रोजा खोलने से पहले नमाज पर गया हुआ था। घर आकर देखा तो घर में 60 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के नंदन नगर में रहने वाले 60 वर्षीय वृद्ध मुस्तफा ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान परिजन नमाज अदा करने के लिए बाहर गए हुए थे। शाम को रोजा खोलने की तैयारी की जा रही थी, तभी घर वाले शाम को पहुंचे तो पिता फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। बताया जा रहा है कि वृद्ध की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और बीमारी के चलते ये कदम उठाया होगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी। मुस्तफा नाम है। क्या घटना? बीमारी थी उनको सांस की, कमजोरी बहुत हो गई थी, हाथ चलने फिरने में बहुत मुश्किल से चलते थे। वो कितनी उम्र? 60 साल उम्र थी। और कहाँ रहते थे? नंदन नगर। कितने समय से कुछ काम वगैरह कर रहे थे? 5-1 साल हो गए। काम पेंटिंग का घर पे रहते। क्या किया? माइंड डिटेप था, फांसी लगा ली उन्होंने। आप कौन है इनके? मैं लड़का हूँ उनका। क्या नाम है आपका? असलम। टाइम न्यूज़ देखिए आप।